जय हिंद फ्रेंड्स, एग्जाम ज्योति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग यूपी पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर का चार्ल्स लैम जी के बारे में आज हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे। उनके नोटेबल वर्ड्स को डिस्कस करेंगे, उनकी बर्थ, उनकी मृत्यु, एवरीथिंग डिस्कस करेंगे, ठीक है, इन डिटेल्स, ओके, विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यूपी पीजीटी। ये हमारे रोमांटिक पीरियड में आएगा, ठीक है। चार्ल्स लैम जी, प्रीवियसली हमने जॉन कीट्स के बारे में डिस्कस किया, विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में डिस्कस किया, साथ ही हमने उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज भी डिस्कस किए, उनके नोटेबल वर्क्स के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर योर एग्जाम। सो आपकी एग्जाम नज़दीक आ रही है, 2 महीने 3 महीने कभी भी डेट हो दे सकते हैं आप, लेकिन पढ़ाई कंटिन्यू करिए, मेरे वीडियोस को देखते रहिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए, सो दैट एवरी स्टूडेंट्स जो है, एवरी मन एस्पिरेंट्स विल गेट द वीडियो, ओके। और हर एक यूपी के बच्चे, हर एक बच्चे इसको पढ़ सके, फ़ायदा उठा सके, एग्ज़ाम को क्रैक कर सके, मेरी बस यही इच्छा है, ओके। इस वजह से आप लोग मेरी वीडियोस को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अगर नहीं किया है, अपने फ्रेंड्स को बोलिए, वो लोग भी देखें, उन लोग भी सब्सक्राइब करें और वो लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो चलिए आज हम क्लास शुरू करते हैं। चार्ल्स लैम जी का जन्म बॉर्न कब हुआ था? 10 फरवरी 1775 में उनका जन्म हुआ था। 1775 में कहाँ पर हुआ था? इनर टेम्पल लंदन, इंग्लैंड, इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। लंदन उनका वो है और इनर टेम्पल, ठीक है, इस जगह पे उनका हुआ था जन्म, ठीक है। नेक्स्ट, उनकी मृत्यु कब हुई थी? 27 दिसंबर 1834 में उनकी मृत्यु हुई थी। और कितने एज के थे वो? 59 एज के थे, ठीक है। 60 क्रॉस नहीं हुआ था, 60 भी नहीं हुआ था, 59 एज में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। और कहाँ हुई थी? एडमिंटन लंदन इंग्लैंड में, ठीक है, एडमिंटन प्लेस में उनका मृत्यु हुआ था, ठीक है। अदर नेम्स, उनका दूसरा नाम क्या है? एलिया, ठीक है। नोन फॉर, और उन्हें किस लिए जाना जाता है? तो एसेज ऑफ एलिया, इस वजह से ये उनका बहुत फेमस है जो वर्क है, जो कि बहुत फेमस हुआ था, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे, ठीक है। इज नोन फॉर एसेज ऑफ एलिया, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, दीज आर हिज मीन्स इंपॉर्टेंट वर्क्स, ओके, नोटेबल वर्क्स। नाउ रिलेटिव्स देखते हैं, उनके रिलेशन में कौन कौन थे? मैरी लैम थी उनकी सिस्टर, अगेन जॉन लैम थे उनके ब्रदर, ठीक है। उनके भाई बहन के बारे में बताया हुआ है यहाँ पे, मैरी लैम उनकी बहन थी और जॉन लैम उनके ब्रदर थे, ठीक है। नेक्स्ट पेज देखते हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे ब्रीफली। उनकी जन्म हुई थी 1775 में, 1834 में उनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। सो चार्ल्स लैम हैज़ बीन राइटली कॉल्ड द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेज़। चार्ल्स लैम जी को क्या कहा जाता है? प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेज़, ऐसे को लेकर वो बहुत ज़्यादा मीन्स फेमस, रिनाउन हुए थे, ओके, इसे उन्हें प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेज़ कहा जाता है, ओके। उन्हें बहुत से एसेज़ लिखे हुए, ओके। द स्टडी ऑफ हिज एसेज रिवील्स हिज पर्सनैलिटी एंड दोज ऑफ हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स टू। उनके जो एसेज हैं, उनकी स्टडी को जब हम स्टडी करते हैं उनके एसेज को, तो रिवील्स हिज पर्सनैलिटी, उनके एसेज जो है उनकी पर्सनैलिटी को दर्शाते हैं, ठीक है। एंड दोज ऑफ हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स टू, उसमें उनके फ्रेंड्स के बारे में, रिलेटिव्स के बारे में, सब के बारे में उन्होंने मैंशन किया है। तो उनकी जो, अगर आप एसेज पढ़ेंगे ना, तो जब पढ़ेंगे तो उनकी, उनके बारे में आपको एक आइडिया हो जाएगा, उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, उनके फ्रेंड्स लोग कैसे थे, उनके रिलेशन में कौन कौन थे, कैसे थे, एवरीथिंग आपको जानने को मिलेगा, ठीक है। लैम वॉज इंटरेस्टेड इन द सिटी क्राउड विद इज एंडलेस कॉमेडीज एंड ट्रेजिडीज। तो लैम जो थे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे किस में? सिटी में, क्राउडेड विद इट्स एंडलेस कॉमेडीज, उस सिटी में जहाँ पे बहुत से क्राउड है, बहुत से लोग हैं, बट उनके पास क्या होनी चाहिए? कॉमेडीज होनी चाहिए, ट्रेजिडीज होनी चाहिए, हंसते रहें साथ में रोते भी रहें, ठीक है, ट्रेजिडीज वगैरह भी रहें, इस तरह से उन्हें मतलब देखना रहना बहुत पसंद है, ठीक है। ऑफ ऑल आवर इंग्लिश एसेज लैम इज द मोस्ट लवेबल, पार्टली बिकॉज ऑफ हिज डेलीकेट ओल्ड फैशन स्टाइल। तो जितने भी इंग्लिश उनके एसेज हैं, ठीक है, लैम एसेज्ड हैं, जितने भी एसेज हैं, जिन्होंने भी मतलब बहुत सारे एसेज लिखे हुए हैं, ओके, उसमें से लैम जी जो हैं बहुत लवेबल हैं, मतलब बहुत ही मतलब उनसे, उनकी पढ़ाई, उन्होंने जितने भी वर्क्स किए हुए हैं उनको अगर आप पढ़ेंगे ना, तो बहुत प्यार आएगा, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। पार्टली बिकॉज ऑफ हिज डेलीकेट ओल्ड फैशन स्टाइल एंड पार्टली ड्यू टू हिज हीरोइक स्ट्रगल अगेंस्ट मिसफॉर्च्यून्स। और किस लिए उन पर प्यार आएगा, क्यों क्यों उनको फील आएगा कि लवेबल टाइप, ऐसा फीलिंग क्यों आएगा? बिकॉज ऑफ हिज डेलीकेट ओल्ड फैशन स्टाइल, उन्होंने जो लिखी है ना, उन्होंने ओल्ड फैशन स्टाइल में लिखी हुई है, ठीक है। उनका जो फैशन है वो अभी के मॉडर्न ज़माने का नहीं था, ओल्ड फैशन स्टाइल में था उनका लिखना। एंड पार्टली ड्यू टू हिज हीरोइक स्ट्रगल, जिसमें उसमें हीरोज वगैरह स्ट्रगलिंग कर रहे हैं, अगेंस्ट मिसफॉर्च्यून्स, मिसफॉर्च्यून में दुर्भाग्यवश, ठीक है, दुर्भाग्य उनके साथ रहता है, इस वजह से उन्हें बहुत स्ट्रगलिंग करना पड़ता है, इस टाइप का उन्होंने अपने एसेज में या फिर अपने जो स्टोरीज वर्क है तब उन्होंने इस टाइप की वर्क्स में इन्वॉल्व किया हीरो को, ठीक है। तो उनकी कहानी इस टाइप से बेसिस रहती है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा लवेबल होते हैं, ठीक है। हिज एसेज आर फुल ऑफ विजडम एंड गुड सेंस, उनके जो एसेज हैं उसमें विजडम की बातें ज़्यादा होती है, आपको कुछ सीखने को मिलेगा।
गुड सेंस, अच्छे सेंस में वो मतलब अपनी जो भी लिखते हैं उनका सेंस बहुत अच्छा रहता है, पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। लैम वॉज वन ऑफ द वाइजेस्ट मैन गिफ्टेड विथ ग्रेट कॉमन सेंस। जो लैम जी जो है एक वाइजेस्ट मैन थे, बहुत ही बुद्धिमान मतलब इंसान थे, जिनको भगवान जी ने एक अच्छा सा कॉमन सेंस दिया था, ठीक है। द मोस्ट आउटस्टैंडिंग क्वालिटी ऑफ हिज क्रिएशंस इज द एक्सक्विजाइट मिंगलिंग ऑफ ह्यूमर एंड पैथोस। ओके, सो द मोस्ट आउटस्टैंडिंग क्वालिटी ऑफ हिज क्रिएशंस, वो जितने भी मतलब लिखे उनके वर्क्स में जब भी आप देखेंगे ना, आपको फील होगा कि उसमें एक्सक्विजाइट मीन्स एक्सट्रीम एक्सट्रीम उन्होंने क्या रिवील किया है, एक्सट्रीम्स आपको फील कराना, सेंस कराना, मिंगलिंग मीन्स मिक्स करना, ठीक है। सो द मोस्ट आउटस्टैंडिंग क्वालिटी ऑफ हिज क्रिएशंस इज द एक्सट्रीम मिक्सिंग ऑफ ह्यूमर, ह्यूमर मीन्स कॉमेडी टाइप। ओके, तो ह्यूमरस हो गया आपका कॉमेडी टाइप, पैथोस हो गया आपका थोड़ा सैडनेस टाइप, या फिर आपको देख के लगे कि थोड़ा पिटी फिल्म हो, पिटी सा मतलब आपको थोड़ा वो आ जाए, सेंस आ जाए कि हाँ दया टाइप आ रहा है हीरो के ऊपर या किसी कैरेक्टर्स के ऊपर, ठीक है। तो उनका जो जितने भी लिखावट थे, जिन जितना भी उनके लेखन थे, उनके वर्क्स थे, उसमें मैक्सिमम उन्होंने क्या दिखवाया हुआ है, एक्सट्रीम मिक्सिंग ऑफ कॉमेडी एंड एट द सेम टाइम सैडनेस ऑल्सो, ठीक है। दोनों को मिक्स करके उन्होंने दिखाया हुआ है, उनके जितने भी ऐसेज है, नॉवेल्स है, एवरी थिंग में इस टाइप का उन्होंने कॉम्बिनेशन किया हुआ है, और इस तरह से उन्होंने बनाया है, इस तरह से उन्होंने लिखा है, ठीक है। लैम्स एसेज वेर पब्लिश्ड अंडर सुडोनिम इलिया, उनका जो जितने भी पब्लिश होते थे उनका सुडोनिम इलिया रखा जाता था, ठीक है। तो सुडोनिम मीन्स वर्ड, सुडोनिम मतलब एक जो राइटर है ना, उन्होंने एक नाम दे देते हैं, ठीक है, फिक्शन को जो लिख रहे हैं उसके ऊपर एक, अगर उन्होंने अपनी तरफ से एक नाम दे दिया, दैट इज कॉल्ड सुडोनिम, ठीक है। तो ए फिक्शिशियस नेम, ए सुडोनिम मीन्स ए फिक्शिशियस नेम गिवेन बाय ऑथर, ओके, गिवेन बाय ऑथर। मैंने आपको इसका मीनिंग भी मतलब साथ में दे दिया, अगर आपको नहीं पता होगा तो आप उससे इजीली आपको हेल्पफुल हो रहेगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको सबका मीनिंग्स लिख लिख के बता दे रही हूँ। तो जो चार्ल्स लैम जो पब्लिश करते थे ना, उसमें सुडोनिम क्या देते थे, इलिया नाम देते थे, हाँ आगे पीछे लगा देंगे इस तरह से इलिया टाइप करके, और उस बुक का नाम उस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो सुडोनियम, सुडोनियम मीन्स द फिक्शियस नेम गिवन बाय द ऑथर, ऑथर खुद अपने तरफ से एक नाम लगा देते हैं, अपनी तरफ से ऐड कर देते हैं, तो दैट नेम इज कॉल्ड सुडोनियम, ओके। तो सुडोनियम क्या था, इलिया था। हु वॉज एन इटालियन क्लर्क विथ हुम लैम हैड वर्क इन साउथ सी हाउस, और इलिया कौन था, तो इलिया थी इटालियन क्लर्क जिसके साथ लैम ने काम किया था साउथ सी हाउस में, ठीक है। नाउ वर्क्स ऑफ चार्ल्स लैम कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री पीरियड्स, चार्ल्स लैम जी का जो वर्क है उसे 3 पीरियड्स में डिवाइड कर सकते हैं, ओके। इन द फर्स्ट पीरियड देयर आर हिज पोएम्स इन कॉलरिज पोएम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स, हिज रोमांस रोजामेंड ग्रे, हिज पोएटिकल फ्रेम जॉन वुडविल एंड हिज कंट्रीब्यूशन ऑफ जॉक्स पन एक्सेट्रा। द सेकेंड पीरियड मतलब फर्स्ट पीरियड में क्या क्या आ जाएगा आपका, देर आर हिज पोएम्स, उनका कुछ पोएम्स है जो कि कॉलरिज के पोएम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स में मैंशन किया हुआ है, हिज रोमांस, उनका कुछ रोमांस है जो कि रोजामंड ग्रे में दिखाया हुआ है, हिज पोएटिकल फ्रेम पोएम्स उन्होंने कुछ लिखा हुआ है दैट इज ऑन जॉन वुडविल, ठीक है। उनका कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन है जिसमें जोक्स में भी उन्होंने लिखा हुआ है, पन वगैरह क्या है, ये भी जोक्स है, ठीक है। लेकिन इसका एक डिफरेंस क्या है कि इसमें वर्डिंग्स वगैरह सुनने में सेम लगेगा बट मीनिंग्स डिफरेंट रहेगा, ठीक है। तो वर्ड इज वर्ड साउंड सेम बट मीनिंग डिफरेंट, ओके, सेम साउंड रहेगा बट मीनिंग डिफरेंट रहेगा, तो ऐसे वर्ड्स को क्या हम कहेंगे, हम पन कहेंगे, ठीक है। तो उनके उसमें कंट्रीब्यूशन में जोक्स भी उन्होंने कुछ कुछ दिखाया, पन वगैरह लिखा हुआ है, ठीक है। ये हो गया हमारे फर्स्ट पीरियड में, ठीक है, लैम जी का फर्स्ट पीरियड में ये सब इन्वॉल्व होता है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पीरियड में देखते हैं, सेकंड पीरियड वाज लार्जली कंट्रीब्यूटेड टू लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड द टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर रिटन बाय चार्ल्स एंड मैरी लैम। सो सेकंड पीरियड में क्या आता है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म हुआ है उनके, जो उन्होंने लिखा हुआ है उसमें उन्होंने क्रिटिसाइज किया हुआ है, हाँ, एंड टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर का, शेक्सपियर जी का कहानी, ओके, जो कि बहुत फेमस था, अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर का बहुत ही फेमस, रिटन बाय चार्ल्स एंड मैरी लैम। तो चार्ल्स और मैरी लैम जो उनकी बहन थी, दोनों ने मिलकर लिखा था, ठीक है, चार्ल्स एंड मैरी लैम ने मिलकर ये टेल्स ऑफ शेक्सपियर लिखा था जो कि बहुत फेमस हुआ था। चार्ल्स लैम रिप्रोड्यूस द ट्रेजेडीज एंड मैरी लैम द कॉमेडीज, चार्ल्स लैम जी जो क्या दिखाते थे, ट्रेजेडीज दिखाते थे, ठीक है, और मैरी लैम क्या करती थी, कॉमेडीज वगैरह दिखाती थी। तो उन्होंने अभी हमने देखा था कि चार्ल्स लैम की जितनी भी लेखन है उसमें ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों साथ में उन्होंने मैंशन किया हुआ है, दोनों साथ में दिखाया हुआ है, मिक्सर करके उन्होंने दिखाया है। इससे क्या होता है, थोड़ा मतलब इफेक्टिव हो जाता है, अभी हम हंस रहे हैं, अभी हम रो रहे हैं,
सुनने के बाद, पढ़ने के बाद, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने नॉवेल्स हुआ, एसेज हुआ, जो भी कहानी हुआ, उस तरह से जब लिखते थे दोनों मिक्सर करके बनाते थे, दोनों मिक्सअप करके वो अपनी लेखन को लिखेंगे, ठीक है। तो उसमें चार्ल्स लैम क्या करते थे, ट्रेजेडी वगैरह फिल करते थे, और मैरी लैम जो क्या करती थी, कहानी में कॉमेडीज वगैरह फिल करती थी। इससे क्या होता था, अट्रैक्टिव हो जाता था, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड पीरियड इंक्लूडेड लैम्स क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। नेक्स्ट, जो थर्ड वाला पीरियड, इसमें लैम का लाइफ का क्रिटिसिज्म हुआ था, विच आर गैदर्ड टुगेदर इन हिज एसेज ऑफ एलिया, जो कि उनके एसेज ऑफ एलिया में सब एक साथ दिखाया गया। 1823 में पब्लिश हुआ था। एंड द लास्ट एसेज ऑफ एलिया वाज विच वॉज पब्लिश इन 10 ईयर्स लेटर, जो कि लास्ट पब्लिश हुआ था 10 साल लेट से पब्लिश हुआ था, ठीक है। द लास्ट एसेज ऑफ एलिया जो था वो उनका पब्लिश हुआ था, विच वॉज पब्लिश 10 ईयर्स ऑफ लेटर, जो कि 10 साल बाद, थोड़ी लेट से 10 ईयर्स बाद पब्लिश हुआ था, ठीक है। ऑल इज एसेज शो ए डिलाइटफुल इंटरप्रिटेशन ऑफ द लाइफ ऑफ लंडन एज इट अपीयर टू हिम व्हेन ही वर्क अननोटिस्ड थ्रू द क्राउडेड स्ट्रीट्स। सो उनकी जितने भी एसेज है उन्होंने उसमें बहुत अच्छे से लंडन के लाइफ के बारे में दिखाया है, उन्होंने क्या फेस किया है, क्या इंटरप्रिटेशन उनको, क्या मतलब रिजल्ट मिला उन्हें, क्या मतलब रिकॉग्नाइज किया, क्या वो कंक्लूड किए, वो सब उन्होंने अपने एसेज में पुट कर दिए हैं, ओके। बहुत अच्छे से एक्सप्रेस किए एज इट अपीयर टू हिम, जैसा उनको देखने को मिला, जैसा उन्होंने फेस किया, जैसा उन्हें एक्सपीरियंस हुआ, ठीक है। तो उस तरह से उन्होंने उन सारी बातों को अपने एसेज में इन्वॉल्व किया, लिखा हुआ है, ठीक है। व्हेन ही वर्क अनोटिस टू द क्राउडेड स्ट्रीट्स, जब वो क्राउडेड स्ट्रीट्स में, यानी रास्ते पूरा भीड़ है, और उस भीड़ के बीच जब वो गुजर रहे हैं, तो उन्होंने क्या नोटिस किया लंदन में, वो सारी बातें उन्होंने अपने एसेज में लिखी हुई है, मेंशन की हुई है, ठीक है। इस फेमस एसेज आर ओल्ड चाइना, इम्परफेक्ट सिंपथीज, पुअर रिलेशंस, क्राइस्ट हॉस्पिटल, कॉन्वलसेंट, ड्रीम चिल्ड्रेन। तो ये सब उनकी फेमस फेमस लेखन है, एसेज है, ठीक है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से देखना है, बिकॉज क्वेश्चंस वगैरह इस तरह से बनेंगे, ओके। तो इन ड्रीम चिल्ड्रेन, एलाइस एंड जॉन वेयर हिज ड्रीम चिल्ड्रेन, और ड्रीम चिल्ड्रेन जो है ना, ये उनका बहुत फेमस हुआ था। तो इसमें उनका एलाइस और जॉन जो थे ड्रीम चिल्ड्रेन थे, ठीक है, एलाइस एंड जॉन, ये भी आपको ध्यान देना है। द एलिजाबेथन्स वेर द मॉडल्स ऑफ लैम, एलिजाबेथन जो पीरियड है उसमें एलिजाबेथन्स आर द मॉडल्स ऑफ लैम, उन्होंने एलिजाबेथन्स को अपने मॉडल के हिसाब से प्रेजेंट किया है, ठीक है, अपने एसेज में। द स्टाइल ऑफ दीज एसेज इज इरेसिस्टिबली अट्रैक्टिव, इरेसिस्टिबली अट्रैक्टिव, सिंपल एंड ओल्ड फैशन। सो उनके जो एसेज थे वो स्टाइल कैसा था, बहुत ही अट्रैक्टिव था, सिंपल था, ओल्ड फैशन टाइप का था, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही स्टाइल में स्टार्टिंग में बता दिया है। दो दीज एसेज आर ऑल क्रिटिसिज्म और अप्रिशिएशन ऑफ द लाइफ ऑफ इज एज, येट दे आर ऑल इंटेंसली पर्सनल। तो भले ही उनकी जो एसेज थे क्रिटिसिज्म वगैरह था, ठीक है, उसमें अप्रिशिएशन था, सराहना था ऑफ द लाइफ ऑफ इज एज, जो उनके लाइफ में उन्होंने फेस किया, येट दे आर इंटेंसली पर्सनल, लेकिन हाँ उन्होंने जो भी लिखे सब पर्सनल थी, मतलब तो उन्होंने अपने बारे में ही, अपने फैमिली के बारे में, अपने रिलेशन के बारे में, जो भी उन्होंने फेस किया, एक्सपीरियंस किया, वो सबको उन्होंने ऐसे में एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है। सो इट वॉज पर्सनल, ओके। इट इज़ दिस वंडरफुल कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सनल एंड यूनिवर्सल इंटरेस्ट टुगेदर विद लैम स्टाइल विथ विच मेक्स द एसेज रिमार्केबल। तो उनके जो एसेज थे वो टोटली पर्सनल थे और यूनिवर्सल इंटरेस्ट थे, क्योंकि जो उन्होंने फेस किया वही लगभग वही बाकी लोग भी वैसे ही अपनी लाइफ में फेस करते हैं। सो यूनिवर्सल हो जाएगा वो, जो उन्होंने प्रॉब्लम्स फेस किया वही बाकी लोग भी तो फेस करेंगे, इस तरह से वो बड़े होते हैं, इस तरह से उन्होंने स्ट्रगल करते हैं, इस तरह से वो ये करते हैं, वो करते हैं, तो सबकी लाइफ में वो सारे मैंने स्टेजेस सबको फेस करनी पड़ती है, ठीक है। तो इसलिए ये कॉमन इंटरेस्ट हो गया है, जो कि हर एक इंसान को जब पढ़ेंगे तो उन्हें लगेगा कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं उनके एसेज में, ठीक है। तो उनकी जो कि क्या करता है, उनके स्टाइल को वो अच्छा रिमार्केबल बनाता है, ऐसे जो इसलिए उनका रिमार्केबल बन जाता है, क्योंकि उन्होंने टोटली पर्सनल स्टाइल में लिखा हुआ है, ओल्ड फैशन स्टाइल में लिखा हुआ है, टोटली मतलब ऐसा लगेगा पढ़ कर कि बहुत सिंपली है, जैसे मतलब पढ़ रहे हैं और आपको लग रहा है कि हाँ ऐसे लग रहा है मैं अपनी कहानी पढ़ रही हूँ, इस टाइप से ऐसा फील होगा और आप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए उनकी कहानी उनकी जैसे से बहुत ही रिमार्केबल है, बहुत ही अच्छी है, जब भी आप देखेंगे आपको इच्छा करेगा कि हाँ पढ़े, ठीक है, इसलिए इन्हें रिमार्केबल कहा गया है, ठीक है। तो फेमस वर्क्स ऑफ चार्ल्स लैम, हम चार्ल्स लैम जी के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स को देखते हैं। ब्लैंक वर्स उन्होंने लिखा हुआ है, ए टेल ऑफ रोजामंड ग्रे, ठीक है, जो कि बहुत फेमस हुआ था। टेल्स ऑफ शेक्सपियर बहुत ही फेमस उनका है। जॉन वुडविल द एडवेंचर ऑफ यूलिसिस, ये भी बहुत फेमस है। ऑन द ट्रेजेडी ऑफ शेक्सपियर विच इज़ एन अदर नाइट फेयर, ऑन ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर जो उनकी वर्क्स हैं वो भी बहुत ही फेमस हुई थी, विच इज़ एन अदर नाइट फेयर, ये थोड़ी भयानक टाइप है। नेक्स्ट एसेज ऑफ एलिया जो कि उनका बहुत फेमस हुआ था।
लास्ट एसेज ऑफ एलिया जो कि 10 साल बाद पब्लिश हुआ था, नेक्स्ट एलियाना। तो ये सारे उनके नोटेबल वर्क्स है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न करनी है, आपको जाननी होंगी, बिकॉज इसमें से कोई भी एक दे देगा और बोले कि यू हैव टू आइडेंटिफाई द वर्क ऑफ चार्ल्स लैम, ठीक है। तो इसलिए आपको हर एक पॉइंट्स को याद करना होगा, हर एक वर्क्स को उन्हें याद करना होगा, उनकी कब जन्म हुई, उनकी कब मृत्यु हुई, रिलेशन में कौन है, उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने कब क्या फेस किया, एवरीथिंग, उनकी लेखन किस टाइप की थी, एवरीथिंग आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। जिस तरह से मैंने आपको मतलब प्रेजेंट किया है ना, आप अच्छे से अगर पढ़ लेंगे देन यू विल इजीली श्योरली क्रैक द एग्जाम, ओके। तो आप मेरे वीडियोज़ को देखते रहिए, जितना ज़्यादा हो सके देखिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए, सो दैट ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ यूपी विल गेट दिस वीडियो एंड दे विल गेट टेक द बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियोज़, ओके, एंड ईजिली क्रैक द वीडियो मीन सॉरी क्रैक द एग्जाम, ओके। सो आप लोग इसके लिए मुझे हेल्प करिए, सो दैट मेरी जो विश है वो आप लोग के थ्रू ही मतलब ये होगा, पॉसिबल होगा, मैं खुद से नहीं कर पाऊंगी, बट हाँ यू ऑल गाइज विल हेल्प मी, ओके। आप लोग मुझे हेल्प करेंगे तब जाकर ये मेरी जो विश है वो पूरी होगी कि हर एक बच्चा मेरी वीडियो को देखकर फ़ायदा उठा पाएगा और एग्ज़ाम को बहुत इजीली क्रैक कर पाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ MCQs डिस्कस करेंगे चार्ल्स लैम जी के बारे में, जैसे हमने प्रीवियसली चॉर्किज के लिए देखा था, विलियम वर्ड्सवर्थ जी को देखा था, ठीक है। अभी हम रोमांटिक पीरियड के बारे में देख रहे हैं, तो इस तरह से हमारा चार्ल्स लैम जी के बारे में डिस्कस किया हमने, नेक्स्ट हम कुछ MCQs डिस्कस करेंगे। आप हमारे वीडियोस को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, ओके, एंड तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।